सोनाओ स्टूडेंट्स आफ्टर इंस्टोलेशन ऑफ मेजेंटो टू ऑन योर लोकल पी सी यानी लोकल होस के ऊपर अब अगला स्टेप ये है कि uh, हम उसी एडमिन यूज़र ने पासवर्ड से जो uh, हमने अभी क्रिएट किया है उससे लॉग इन होते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जब हम एज अ एडमिन लॉगिन होते हैं तो वॉट थिंग्स वी हैव अंडर कंट्रोल जब आप एज अ एडमिन आप लॉगिन होते हैं तो आपके आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं यानी आप जो बिजनेस का पूरा फ्लो है वो एक्चुअली आपके पास कंट्रोल आपके कंट्रोल में आ जाता है तो एडमिन पैनल मीन के सेल से लेकर ऑर्डर शिपमेंट हर चीज आप यानी आप ऑनर हैं मेजेंटो के आप मेजेंटो शॉप के ऑनर हैं तो आपके कंट्रोल में आ, हर वो चीज़ है जिसके जरिए आप बिजनेस को आप रन कर सकते हैं तो अभी तक आपने लोकल पीसी पे मेजेंटो शॉप इंस्टॉल कर ली है दैट्स पॉइंट नंबर वन जब हमने लोकल शॉप इंस्टॉल की है तो जो इंस्टॉलेशन होती है अमूमन वो सैंपल डाटा के साथ आती है सैम्पल डाटा से मुरादी होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होंगे इमेजेस मौजूद होंगे कुछ सैम्पल ऑर्डर्स क्रिएट किए होंगे कुछ सैंपल कस्टमर्स होंगे रीज़न के इस तरह के सॉफ्टवेयर में अगर डेटा मौजूद ना हो तो आपको फ्लो समझ नहीं आएगा फ्लो से मुरादी है कि uh, यानी क्या क्या स्टेप्स आपने करने हैं तो सैम्पल डाटा इंस्टॉलेशन के साथ इस तरह के सॉफ्टवेयर में अमूमन मौजूद होता है ताकि आपको यह पता लगता रहे कि किस स्टेप के बाद आपने कौन सा अगला स्टेप करना है अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट सो लेट्स ट्राई टू लॉग इन एज अ एडमिन पैनल सो नाउ स्टूडेंट्स आपने ब्राउजर पे जाना है ब्राउजर पे आपने ये मैंने जो सेटिंग्स सी उसकी मेजेंटो स्टोर की और एडमिन पैनल की वो मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करके ये वाली सेटिंग जो मेजेंटो एडमिन की है यहाँ से कॉपी करके ब्राउज़र में मैंने यहाँ पेश किया तो अब उसके बाद अगर सक्सेसफुली पेज ओपन हो जाता है दिस इज़ ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि जी यूज़र नेम और पासवर्ड ये तो हमारी एडमिन साइट को एक्सेस करने का तरीका है जो पब्लिक साइट है यानी जो मैं और आप एज अ एंड यूज़र एक्सेस कर सकते हैं वो बेसिकली ब्राउजर में आपने वन टू सेवन डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट वन स्लैश मजेंटो लिखना है तो अगर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपके पास इस तरह का एक डिफॉल्ट पेज आ जाएगा तो दिस विल बी अ साइन कि सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गई है ये डिफॉल्ट में कुछ प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है अब जब एडमिन साइड पे आपने लॉगिन होना है तो आपने यहाँ पे एडमिन लिखना है उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने रखा हुआ था वो आपने यहाँ पे टाइप करना पासवर्ड वही आपने यहाँ पे देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त आपने प्रोवाइड किया था अब जिस वक्त आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे तो इस तरह का पैनल आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि इसको बेसिकली हम लोग एडमिन डैशबोर्ड बोलते हैं तो यहां पे अब देखें सबसे पहली चीज़ कि आपके पास यहां पे जो यहां पे लोकल करेंसी आ रही है दिस इज़ पी के आर और ये हमें ये अभी ये टोटल डैशबोर्ड ये बता रहा है कि रेवेन्यू हमारा पी के आर अमाउंट बता रहा है टैक्स बता रहा है शिपिंग बता रहा है लाइफ टाइम सेल्स बता रहा है एवरेज ऑर्डर बता रहा है और हमें ये बता रहा है कि हमारे पास लास्ट ऑर्डर है और जो कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है उसकी अमाउंट भी बता रहा है ये जब आप इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर कुछ सैंपल डाटा आता है तो ये सैंपल डाटा हमारे पास एक्चुअली आ रहा है अगर ये सैंपल डाटा नहीं होता तो आप इसको आप प्ले राउंड नहीं कर सकते तो ये हमारे पास मेन पैनल है उसके बाद आप इसी एडमिन पैनल के थ्रू सेल्स को मैनेज कर सकते हैं जब आप सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑर्डर मैनेजमेंट इनवॉइस मैनेजमेंट शिपमेंट डिस्पैचेस क्रेडिट मेमोज बिल्डिंग एग्रीमेंट्स ट्रांजेक्शन्स यानी ये ये सारी चीज़ें आप एज अ ओनर आप ये मैनेज कर सकते हैं और कॉन्फिगर कर सकते हैं उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैटलॉग कैटलॉग से मुराद ये है कि अभी तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सैम्पल और प्रोडक्ट मौजूद हैं जो हमें यहाँ पे ये हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं यानी हमारे पास ये अब देखें कुछ क्लोदिंग के हैं हमारे पास कुछ हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज़ एंड सो ऑन तो आप इसके ज़रिए नए प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं नई कैटेगरीज़ भी ऐड कर सकते हैं तो उसके बाद आपके पास कस्टमर का पैनल है आप कस्टमर के पैनल के साथ जो कस्टमर ऑनलाइन है उसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं सारे के सारे कस्टमर आपके पास मौजूद हैं वो भी देख सकते हैं और कस्टमर ग्रुप भी बना सकते हैं मार्केटिंग आप कर सकते हैं यानी आप प्रमोशंस कर सकते हैं आप ई मेल फ्लोड कर सकते हैं न्यूज़ लेटर आप फ्लोड कर सकते हैं आप फेसबुक से कनेक्ट भी कर सकते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ के जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है तो जो हमारे वेब पेजेस थे ये वाला स्टोर है इसकी जो डिज़ाइन है ये भी आप प्ले डाउन कर सकते हैं ये एज अ एडमिन आपके पास ये कंट्रोल होता है कि आप इस डिज़ाइन को प्ले डाउन कर लेंगे विच वी विल डू इट उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही होंगी कि हमारे पास एबन्डेंट कार्ड कितने हैं प्रोडक्ट कितने हैं कार्ड के अंदर सर्च आइटम है, कितने हैं ऑर्डर्स कितने क्रिएट किए हुए हैं और ये पूरा पैनल आपके पास है उसके बाद आपके पास आप स्टोर नए क्रिएट कर सकते हैं यानी आप हर स्टोर के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप टैक्स रूल मोर इम्पोर्टेंटली आप टैक्स रूल्स को प्ले डाउन कर सकते हैं आप करेंसी रेट्स को प्ले डाउन कर सकते हैं लोकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं रेटिंग को मैनेज कर सकते हैं सिस्टम के आप जब जाएंगे तो आप डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद जो हमने एक कॉन्सेप्ट इससे पहले डिस्कस किया था प्लगइन्स का यानी आप अगर एग्जिस्टिंग मजेंटो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाह रहे हैं तो आप सिस्टम में जाएं यू कैन इंटीग्रेट एक्सटेंशंस यानी आप जो फ्री एक्सटेंशंस हैं या इवन जो पेड हैं वो आप इसी शॉपिंग कार्ट में आप ऐड कर सकते हैं और कॉन्फिगर कर सकते हैं अभी मैं जब लॉगिन हुआ हूं तो मैं एज अ एडमिन लॉग हुआ हूँ तो यहाँ पर हमारे पास परमिशन का एक मौजूद है इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन इस पर क्लिक करते हैं जब इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ देखें ये मुझे ये दिखा रहा है कि जी यूजर नेम एडमिन है फर्स्ट नेम जो भी है लास्ट नेम और उसका ई एड्रेस है और ये एक्टिव है यहां मैं नए यूजर भी ऐड कर सकता हूँ मतलब अभी बैक एंड पे लॉग होने के लिए मैंने सिर्फ एडमिन को एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त बताया था मैं यहाँ पे और यूजर भी ऐड कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं लॉग हो सकता हूँ दिस इज अ होल पैनल विच यू हैव अंडर योर कंट्रोल टू यूज एंड मैनेज योर स्टोर